नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिष्टु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। जनपद सोनभद्र के जिला शिक्षा संस्थान के DLED के छात्रों ने हंगामा किया व उन्होंने आचार्य डायट पर आरोप लगाया है कि जो छात्र उन्हें पैसा देते हैं उनको वह नंबर देते हैं, नहीं तो किसी छात्र के नंबर नहीं आते। मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट, सोनभद्र। क्या है मामला? क्या है सर? मामला ये है कि हम लोग को सर जब से पहले सेमेस्टर से आज चौथा सेमेस्टर चल रहा है, हर समय मानसिक से पढ़ाई किया जाता है। जब जाता है और उसके बीच में नंबर जाता है, प्राइवेट वाले पैसा देते हैं और हम लोग अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देते इसलिए हम लोग को बहुत खराब नंबर मिलता है। पिछले सेमेस्टर में हम लोग नंबर पैसा नहीं दिए थे, नंबर बहुत खराब मिला था। और सारे जितने भी जिले में डायट है सबकी जगह कोई बेस ही नहीं नंबर देने का, और यहाँ पर नंबर ऐसे ही रहते हैं। इस बार बेस बना रहे हैं लेकिन उस पर भी नंबर बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो पैसा कौन मांग रहा है? क्या बोल रहे हैं? पैसा तो और अच्छा नंबर मिलेगा, सिर्फ 100 नंबर वाले मिलेगा। मैं 2 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पर इनका पर्टिकुलर परीक्षा का है, परीक्षा का ये है कि नहीं पर्टिकुलर में अच्छे नंबर मिले, हम कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इनका कहना है कि हमको पता दें कि कितने नंबर मिलेंगे, हम ये तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे लेकिन आपको अच्छे नंबर मिलेंगे पर्टिकुलर में। अच्छे कह रहे हैं कि आप लोग पैसा मांग रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। अगर किसी से बता दें कि ऐसा है, ये केवल वही नंबर का दबाव बनाने के लिए हमको अच्छा मतलब 100 में 100 नंबर दे दीजिए, 99 दे दीजिए, इसलिए दबाव बना रहे हैं इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है लोग मेरिट के आधार पर चयन होकर आए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो पैसे जो नंबर मिलते हैं वहाँ से कम नंबर नहीं उनके नंबर। देखिए पिछले बार मैंने कहा था कि जो जैसा किया था उसे नंबर मिला था, इस बार भी कहा कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बट उसके जो प्राइवेट से उसे कम नहीं मिले। पिछली बार भी इनसे पैसा लिया गया था? नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं नंबर के लिए, गलत आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि हजार हजार रुपए गलत है? नहीं गलत है, मैं कह रहा हूँ कि गलत है, गलत आरोप लगा रहे हैं कि नंबर हमको 100 में 100 मिल जाए। सवाल ये उठ रहा है कि यदि ये गलत लग रहे हैं तो इतने मास्क में लड़के बोल रहे हैं? नहीं मास्क में तो क्योंकि सबका है कि देखिए सब अगर है कि सबको नंबर चाहिए कि 100 में 100 मिले तो मास्क में रहेंगे तभी तो कहेंगे, तभी तो ये बात करेंगे कि नहीं हमको इस तरह से मिले। जिस तरह से बच्चे सड़क पे आ गए यहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो क्या मतलब कार्रवाई भी करेंगे बच्चों? नहीं देखिए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उनको नंबर जो प्रैक्टिकल होगा है उसके हिसाब से नंबर उनको मिलेंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे, और उसके बाद अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो उसके अनुसार भी कार्रवाई होगी आगे। बच्चों को यह भी कहना कि आप उनसे काम भी करवाते हैं? नहीं काम कोई काम आप बता दें, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोई बता दें मैं यहाँ पर रहता हूँ, किसी से काम यहीं मैं डाइट में रहता हूँ। घास वगैरह आप छिलवाते हैं? नहीं घास नहीं छिलवाते हैं। जो यहाँ पर देखिए जो गेम हुआ था पिछले बार सभी लोग थे, गेम में सब लेबर लगा कर हमने काम किया कराया था, किसी को नहीं लगाया था। जहाँ पर प्रेयर होता है वहाँ पर साफ सफाई बल्कि शाम को ही जो एक है स्वीपर है मानने पर वो करता है। लेकिन जो बच्चों का कहना है कि बच्चे ये बता रहे हैं कि हमसे 4000 रुपये लिया गया।